सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी जेई डीएमएस सीएमए 2018 की जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों, उसका ऑफिशियली सीबीटीयू का रिजल्ट आ चुका है। डीवी में जिन कैंडिडेट को बुलाया जाना है उनकी लिस्ट आ चुकी है दोस्तों। इसी के साथ कई जोन आपको बता दूँ कि कोलकाता, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, इन तीनों जोनों का, और इसके अलावा एक दो जोन और हैं जिनका डीवी का शेड्यूल जारी हो चुका है दोस्तों। कब डीवी स्टार्ट होंगे? लगभग 18 तारीख से, यानी कि 18 नवंबर से डीवी स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, और उसी के अगले दिन आपका मेडिकल भी हो जाएगा। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको डीवी में लेके जाने हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर वहाँ जरा से भी गलती होती है तो आपको बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ 1.5 गुना कैंडिडेट वेटिंग के लिए भी रखे जाते हैं, मतलब 0.5 गुना कैंडिडेट, टोटल 1.5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। तो कोई भी छोटी सी गलती आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। सो आज की वीडियो में हम वही सारे डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को बिना स्किप करें देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने और कौन से नहीं लेके जाने वो आपको समझ आ जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा चाहूँगा दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए, ऑफिशियल फॉर्म, ऑफिशियल रेलवे की तरफ से जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, किस फॉर्मेट में लेके जाने, वो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हो, डायरेक्ट ऑफिशियल आरआरबी का जो निकला है उसके वह चलते हैं। सो दोस्तों ये देखिए, भुवनेश्वर का ऑफिशियल नोटिस मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ 18 नवंबर से 28 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रोल नंबर और अलग से जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिए जाएंगे, आपको एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा जल्द ही, और सभी चीज़ें आ जाएंगी। मगर ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं के करके। सो ये देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट टू कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। चलिए दोस्तों, सबसे पहला कि जब आप एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि आपके एप्लीकेबल हो, जो जो आपको लगाने हैं, आप अगर जनरल से, एसटी, एससी, ओबीसी, जिससे भी बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए, देखिए मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th और हाई स्कूल का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हैं। इसके अंदर द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर एंड मदर नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड विद रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन इन देयर सर्टिफिकेट। तो आपने जो एप्लीकेशन में आपके मम्मी पापा का नाम लिखा है, वो आपके फॉर्म में जो आपके जो एप्लीकेशन लिखा है वो आपके मार्कशीट के नाम से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप वो ही मार्कशीट लेके जाए जिसमें आपका नाम करेक्ट हो। अगर आपने 12th कर रखी है तो 12th की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है, 12+2 इंटर, हायर सेकेंडरी जो भी हो आपको जरूर लेके जाना है। डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है आपने, अगर पॉलिटेक्निक के बेस पे भरा था या बीटेक के बेस पे भरा था, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है विद सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी आपको सारी लेके जानी है। अगर डिप्लोमा का रखा है तो तीनों ईयर के डिप्लोमा की मार्कशीट, और अगर बीटेक का रखा है तो 8 के 8 ईयर की आपको मार्कशीट लेके जानी है। डायरेक्ट सेकेंडरी में जिन्होंने एडमिशन लिया था डिप्लोमा वाले, तो उनको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। अगर आप एसटीएससी के कैटेगरी से, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि एनेक्सर 1 जो आपका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल आरआरबी की, वहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट दे रखा है वो बना के लेके जाना है। वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 2 फील्ड इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर आप ओबीसी एनसीएल वैकेंसी से नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जो नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2 है, तो उसका डिक्लेरेशन भी आपको बना के लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है अगर आप ईडब्ल्यूबी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से आते हैं। अगर आप बीपीएल कार्ड है, इज्जत, एमएसटी, जो भी आपने अगर इनकम सर्टिफिकेट का है आपके पास तो जरूर लेके जाइए। अगर आप जन माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जैन, क्रिश्चियन, पारसियन, पंजाबी कैटेगरी से आते हैं तो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप कोई एक्स सर्विस मैन है, पेंशन, अगर कुछ भी किसी तरह से भी सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज, आपको वो जॉब छोड़ के आपका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है दोनों तरफ की, और ओरिजिनल भी जरूर लेके जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप कोई डिसेबल पर्सन है तो आपको आपका वो सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है। एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, अगर आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे थे वहाँ से आपको एनओसी लेके आना है कि हम इसको पूरी तरह सर्विस मुक्त कर रहे हैं और किसी भी तरह की बाद में जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, तो एनेक्सर 6 जो है वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाला दे रखा है, वहाँ पे आपको भरना है। गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, अगर आप किसी तरह से नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हो तो उसको आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा 4.0 ऑफ सी एन
और नेशनलिटी, तो अगर आप इंडियन है तो आपको जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी है आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं भारतीय नागरिक हूँ, नेपाली बांग्लादेशी नहीं है। डिग्री ऑफ डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज, अगर आप डिवोर्सी हैं तो आपको आपका डिवोर्सी का सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए, और आप मैरिज नहीं की है वो भी आपको बताना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस, तो आपका जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी एक्सपायर हुआ है, तो आपको विडो है जैसे विधवा है, तो आपको आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि प्रोविजनल और रेगुलर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग साइंस डिग्री सर्टिफिकेट विथ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट विथ डेट ऑफ रिजल्ट शुड ऑल्सो कंटेन द डेट ऑफ इशू। इन केस डेट ऑफ इशू दिस सर्टिफिकेट इज़ आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जैसे कि आपको बताया था लास्ट डेट तक आप इस डेट तक पास होने चाहिए, तो वो आपको डेट ऑफ इशू होना जरूरी है। इसके अलावा एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद द कैंडिडेट। इसके अलावा जो भी आपके पास आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो वो भी लेके जाइए। 8 लेटेस्ट, आपको तुरंत जैसे आप जा रहे हैं तो मान लीजिए 2-3 दिन पहले लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ खिंचा के लेके जाइए। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंक 2 सेट ऑफ क्लियर एंड एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। आपको सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी के सेट बनाने हैं, और उन सभी पर आपको अपने सिग्नेचर करके उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है। ऑफ द ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मेंशन अबव अगेंस्ट, तो आपको 1 से लेके जो 12-13 तक आपके जो दे रखे हैं वो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं 22 तक, ठीक है। इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस द अबव मेंशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर कैंडिडेशन इज लाइबल टू रिजेक्ट, तो आपकी रिजेक्ट कर जाए। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये विशेष ध्यान रखिए, योर कैंडिडेचर फॉर अबव मेंशन पोस्ट इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू योर फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी दोस्त चैनल पर पहले भी विजिट कर रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो आपके बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।